हेलो क्लास 9th, आपकी वर्कशीट आ गई है मैथ्स की। आज का टॉपिक है बहुपद। बहुपद हमने शुरू किया था पिछली क्लास में ही, पॉलिनोमियल्स। हमने देखा था पिछली क्लास में कि चर और अचर राशियां कौन कौन सी होती हैं एक बहुपद की, और आज हम करने वाले हैं उससे आगे वाला स्टेप। आज हम देखने वाले हैं बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। बहुपद में प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, हम जानते हैं। ये पिछली क्लास में हमने, पिछली वर्कशीट में हमने किया था। ये वर्कशीट नंबर 8 है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़, बिकॉज आई एम टेकिंग लॉट्स ऑफ पेन कि आपको रोज़ की रोज़ वीडियोज़ रोज़ मिल जाएँ, शाम को ही मिल जाएँ सुबह की वर्कशीट्स, ताकि आप लोग फटाफट अपनी वर्कशीट्स को पूरा कर सकें। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़। वीडियोज़ को उनको पास शेयर कीजिए, उन दोस्तों के पास, ताकि उनको, दूसरे दोस्तों के पास, ताकि उनको भी कोई हेल्प मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। एक बहुपद में प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। यहाँ पर अलग अलग पद होते हैं और उन पदों का अलग अलग गुणांक होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक्स क्यूब का गुणांक है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 5, एक्स का गुणांक है -7, और यहाँ पर -3 है। -3 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, एक्स की पावर 0 है, क्योंकि ये 1 होता है। तो -3 के साथ भी एक्स है और एक्स की पावर यहाँ पर क्या है, 0 है। एक्स की घात यहाँ पर 0 है। तो अब हम आते हैं अगली अगली लाइन पर, जो ये कहना चाहता है। ये बात हम समझ गए, बहुपद के अलग अलग वो होती हैं, पद होते हैं। 1, 2, 3, 4 पद हैं जैसे इसमें, और चारों पदों का अलग अलग गुणांक होता है, अलग अलग वो होती है। तो लेकिन हर एक पद में, जो ये पद दिया हुआ है, हर एक पद में एक घात भी होती है बेटा। x की कितने हैं घात, 3। यहाँ पर x की घात कितनी है, 2। यहाँ पर x की घात है 1 और यहाँ पर x की घात है 0। जो यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो गुणांक हैं ये हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी बहुपद में कौन कौन सी घात होती है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। एक बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात जो होती है, एक बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात है उसको बहुपद की घात कहा जाता है। यानी कि जैसे कि ये वाली हमने देखी ना, ये वाली हमने अभी भी देखी, इस वाली में जो सबसे बड़ी घात क्या है, x की 3। तो यानी कि इस पूरे बहुपद का घातांक, बहुपद की घात क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या होगी, 3 होगी। आई होप क्लियर है। अब अगले में देखते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, 2x^9 -3x^6 +4x³ +2x+7, ये दिया हुआ है ना। इसमें देखो, x की पावर बेटा, x की घात सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7 के साथ, यानी 7x0 है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात क्या है, 9। तो x की पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पर 9 है। तो इस बहुपद की, पूरे बहुपद की घात क्या मानी जाएगी, 9। जो इस बहुपद के सारे पदों में से सबसे ज़्यादा घात वाला वो होगा, उसी के घात को, यानी सबसे बड़े घातांक को बहुपद की घात माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है, आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। प्रत्येक बहुपद की घात लिखे, चलो लिखते हैं। हमें समझ में आ गया ना बहुपद की घात कैसे लिखते हैं, चलो लिखते हैं। बहुपद की घात यहाँ पर है x की पावर 6 -x^4 +3। तो x की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 6। तो x की घात कितनी आएगी यहाँ पर, 6। बिल्कुल क्लियर। अगले में आइए, 2 -y^4 -y^3। y की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4। दूसरे में क्या आएगा, पहले में आएगा 6, दूसरे में आएगा 4। तीसरे में 2 है, 2 के साथ x या y कुछ भी लगाओगे, पावर क्या आएगी, 0। तो इसकी पावर क्या हो गई, घात क्या हो गई, 0। बात समझ में आएगी, नहीं आई, 2 अकेला है, 2 के साथ क्या लग सकता है, 2 एकम 2, 1 को क्या लिख सकते हो, x^0। एक्स किसी की पावर, x की पावर 0, y की पावर 0, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसकी घात कितनी हो गई, सबसे ज़्यादा 0। ये समझ में आ गया। अगली वर्कशीट की तरफ आते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या कह रही है, देखिए बेटा, अगली एक्सरसाइज कह रही है बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। सिर्फ एक्स स्क्वायर पर ध्यान देना है, एक्स की पावर 2 है वहां पर ध्यान देना। चलो शुरू करते हैं। 4 - x^2 तो -x^2 है, यानी एक्स स्क्वायर की का गुणांक क्या है, -1। -1 एक्स स्क्वायर है ना, तभी तो -x^2 लिखा है, -1 x^2। तो गुणांक क्या हो गया यहाँ पर, -1। क्या हो गया गुणांक, -1। आई होप क्लियर है, -1। दूसरे में आते हैं, -√2x - 1। एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0। 0 गुना एक्स स्क्वायर था, तभी तो x नहीं दिख रहा। 0 गुना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, अगर होता तो क्या होता, 0x^2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0। वेरी गुड। चलिए अगले पे आते हैं। 3x की पावर 3 -4x की 2 -7x,
तो यहाँ पर 4x की 2 यानी कि x की पावर के साथ क्या है, 4, गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे, अगली वर्कशीट की तरफ आते हैं। बेटा क्या कहना चाहता है वर्कशीट, पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं, जिसमें एक पद होता है, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है, एक ही वो पद माना जाए, उसको एक पदी कहते हैं। कैसे कहते हैं, एक पदी। जहां पर दो होंगे उसको कहेंगे द्विपदी, जहां पर तीन होंगे उसको कहेंगे त्रिपद, और जिसमें बहुत सारे होंगे उसको कहेंगे बहुपद, है ना। क्लियर है, एक पद, द्विपद और त्रिपद, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, घात के आधार पर भी बहुपद हो सकते हैं, जिसमें एक घात हो, घात सिर्फ एक हो, यानी कि एक ही घात वाला जो होता है उसको कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं उसको, रैखिक बहुपद कहते हैं बेटा, रैखिक यानी एक घात वाले को। जहां पर घात क्या है, दो, दो घात है तो उसको कहेंगे द्विघाती, और घात तीन है, घात क्या है, तीन है तो उसको कहेंगे त्रिघाती। क्या कहेंगे, त्रिघाती। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है समझने में, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। और ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर वाले में हमने पद के आधार पर किया था क्या, एक पदी, द्विपद और त्रिपद, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, मेरे ख्याल से यही पूछने वाले हैं, एक्सरसाइज में पूछने वाले हैं इनमें से एक पदी, द्विपद और त्रिपद और रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती सबको छांटना। ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल काम है। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं, पहले तो पद के आधार पर फिर घात के आधार पर, यहाँ से शुरू करते हैं इस वाली एक्सरसाइज से। घात कितनी है, y की घात यहाँ पर सबसे ज्यादा कितनी होगी, 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये त्रिघाती, क्या हो गया पहले तो त्रिघाती, कोई दिक्कत समझने में। और पद कितने, 1 और 2, तो ये क्या हो गया, द्विपद, क्या हो गया, द्विपद। यहाँ पर दो चीजें हो गई, ये त्रिघाती है और द्विपद है, त्रिघाती है और द्विपद है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड रुके, मैं ये बहुत मोटा चल रहा है पेन, इसको ठीक कर लूं बेटा। चलो अगले पर आते हैं बच्चे, y जमा 1, सबसे पहले तो पद की बात करते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, दो पद हैं बेटा, क्योंकि एक है y और एक है 1, तो ये हो गया द्विपद, क्योंकि y यहां पर जो 1 है इसको भी पद मानेंगे, क्योंकि इसके साथ y जो लगा हुआ है, जो y इसके साथ लगा है उसकी भी तो पावर क्या है, 0 है, लेकिन लगा तो हुआ है, और इस पावर, इसकी y की पावर क्या है, 1, तो ये दो पद हो गए, तो ये हो गया द्विपदी, क्या हो गया, द्विपदी, बिल्कुल क्लियर। अब अगला सवाल कहता है ये घात कितनी है इसकी, देखो यहाँ पर घात है इसकी 1, इसकी है 0, है ना, तो इसकी घात कितनी हुई, 1, तो जिसकी घात 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक, क्या कहते हैं, रैखिक, तो ये द्विपद है और रैखिक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं है, द्विपद है, दो पद हैं और रैखिक है। चलिए अगली एक्सरसाइज, अगला सवाल क्या कहता है, 6 माइनस y स्क्वेयर, 6 माइनस y स्क्वेयर, माइनस y स्क्वेयर, बिल्कुल सही बात है, जमा में 6 यानी कि 6 के साथ कुछ नहीं है, तो y की पावर हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो घात कितनी हुई सबसे ज्यादा, 2, तो ये क्या हो गया, द्विघाती, कोई दिक्कत समझने में नहीं, द्विघाती हो गया, और पद कितने हो गए, 1 और 2, तो द्विपद, घाती, द्विघाती और द्विपद, दो ही घात हैं और दो ही पद हैं, बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल पर आते हैं, 2x की पावर 2 जमा, एक मिनट, 2x की पावर 2, यहाँ पर इधर वाला सवाल कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, क्लैरिटी रहेगी आपको, 2x स्क्वेयर जमा 3x माइनस 1, तो 3 पद हो गए, कितने पद हो गए, 3 पद, बिल्कुल सही है, क्या हो गया, 3 पद हो गया। अब हम आते हैं घात पर, घात कितनी है सबसे ज्यादा, 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो आपकी क्या हो गया, द्विघाती, त्रिपद है और द्विघाती है, त्रिपद और द्विघाती, कोई दिक्कत समझने में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल कहता है 1 और 2, यहाँ पर x की पावर 0 लगा लो, है ना, दो पद हैं तो कितना पद हुआ, द्विपद, ए द्विपद हो गया, द्विपद। अगला, घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो x की 0 बनेगी, तो घात कितनी आ गई, 2, यानी कि द्विघाती, द्विपद है और द्वि ही घाती, कोई दिक्कत समझने में नहीं है, द्विपद है और द्वि घाती है। अगला सवाल करिए, √3z जमा 7, एक ये है, z की पावर 1 है और ये z की पावर 0 है, दो पद हैं तो कितने पद हुए, द्विपद, ठीक है, द्विपद हो गया,
कितनी घात है? एक घात है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे? रैखिक। क्या कहेंगे? रैखिक है, द्विपद है और रैखिक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है, ये रहा चार सवाल, चार और रह गए हैं आपके, चलो चारों कर लेते हैं एक ही बार में। यहां पर आते हैं, एक पद है अकेला और द्विघात हो गई, दो घात है और एक पद है, तो एक पदी, क्या लिखेंगे? एक पदी हो गया। अगले सवाल पर, एक दो तीन चार, चार पद हैं तो इसको कह देते हैं बहुपद, क्योंकि चार पद वाला हमने पढ़ा नहीं, तीन से ज्यादा वाला हमें बताया गया ना, तो हम इसको कह देंगे बहुपद। और घात कितनी है? त्रिघात, तो इसका लिखेंगे त्रिघाती, क्या लिखेंगे? त्रिघाती, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर कितनी है? तीन, तो इसको लिख देंगे त्रिघाती। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, 4x, कितने पद हैं? एक पद है बेटा, तो एक पदी को क्या कहते हैं? एक पदी, एक पदी हो गया। और घात कितनी है? एक, तो साथ में क्या हो गया? रैखिक। क्या हो गया साथ में? अरे कहाँ गया ए, और साथ में हो गया रैखिक। क्या हो गया बच्चे? रैखिक, क्योंकि क्या है? एक ही पद है और एक ही घात है, तो रैखिक है और एक पदी है। अगले सवाल पर आते हैं, 9x³, एक पदी तो है ही है, दिख रहा है बेटा, एक पदी है और पावर है तीन, तो इसको लिखेंगे त्रिघाती, क्या लिखेंगे? त्रिघाती। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अगले अगले सवाल क्या कह रहा है? आओ जाने हमने क्या सीखा, आओ जाने हमने क्या सीखा। चलो बच्चों एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। सही और गलत का निशान लगाएं। 5x³ -4x² + 3, ये बहुपद हो गया। इस बहुपद में x² का गुणांक 4 है। x² यहाँ पर देखते हैं, x² के आगे क्या लिखा है? x² के आगे लिखा है बेटा -4। क्या लिखा है x² के आगे? -4। -4 लिखा है, तो x² का बहुपद, x² का गुणांक क्या होगा ये पूछा है उन्होंने। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन क्लियरली दिखती रहे बच्चे। हाँ चलिए, x² के आगे क्या लिखा है? x² का गुणांक है बेटा 4, नहीं, x² का गुणांक है -4, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगला बहुपद, 4x² की घात 2 है, हाँ सबसे बड़ी घात, और एक ही बहुपद में एक ही, ये एक पद रैखिक है, तो क्या हो गया इसमें? 4x², तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 ही होगी, क्योंकि दूसरा x है ही नहीं। 2x³ + 1, एक रैखिक बहुपद है, नहीं एक रैखिक हो ही नहीं सकता, इसमें त्रिघात है। घात कितनी है बेटा? त्रिघात। त्रिघात वाले को क्या कहते हैं? देखो, घात एक वाले को रैखिक कहते हैं, ये तो त्रिघात हो गया ना, यहाँ पर क्या है? ये त्रिघात है, रैखिक तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही था दूसरा। तीसरा कहता है, √5x + 1 में x का गुणांक √5 है, हाँ दिख रहा है बेटा, x का गुणांक क्या है? √5, बिल्कुल सही है, सही। बहुपद 4m + 5n, एक द्विपद है, हाँ ये द्विपद है। चलिए शुरू गया, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई डाउट तो प्लीज़ पूछिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय, कल नई वर्कशीट के साथ मिलेंगे, और तब तक ये वर्कशीट कंप्लीट करिए और सारी एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपी में डे बाय डे करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजेस हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। तो प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।